गरम गरम पानी है, ये सारा गरम पानी है, ये देखो ओए स्वाद ही आ जाता है, कसम खुदा की गरम गरम पानी। इधर मैंने अभी पूछा कि इधर ना आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो, और हॉट एयर बलून तो आपको पता ही है। की तरफ हम जा रहे हैं, निकल गए हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? तो जी रात को मैं पम्मू के लिए आ गया बुरसा से, 650 किलोमीटर कल गाड़ी चलाई है, और ये साबन दानी ने अपना साथ दिया। वेरी नाइस गाड़ी यार, क्या बात है इस गाड़ी की, कसम से अच्छी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी इकॉनमी लेनी चाहिए। लेकिन पेट्रोल के फाके इसने भी लगाए, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है बहुत ज़्यादा चलता है। तो शेरू अभी इधर से हम जाएंगे पम्मू किले, वो जो नमकीन सी वो चीज़ें हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा दुनिया आती सिर्फ इधर इसलिए। तो मैं भी इधर इसलिए आया था कि मैं ये देख सकूँ। तो अभी उधर जाऊँगा, वैसे तो इधर होटल से जो है 10 मिनट की वॉक है, तो मैंने कहा गाड़ी पर ही चलें, क्योंकि साथ फैमिली है, तो हमारी पाकिस्तानी औरतों से चलने नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा अभी इधर से ऐसे निकलते हैं गाड़ी पर। तो वो मैं आपको जगह दिखाऊंगा, फिर इधर से मेरा जो सफ़र है असली वो शुरू होगा, फिर अंतालिया 3-4 घंटे अंतालिया की ड्राइव, फिर उधर से आगे कोनिया, फिर कैपाडोकिया। ये वो मेरा होटल है जिधर मैं रहा हूँ, मेरा तो नहीं है लेकिन रेंट पे था। देखो बड़ा जोंग पोंग स्विमिंग पूल भी दिया हुआ, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम तो इधर नहाने से रहे। तो एक और बहुत फेमस पम्मू किले में एक चीज़ है कि इधर भी हॉट एयर बलून उड़ते हैं, वो जो गुब्बारे नहीं हवा में उड़ते, वो इधर भी उड़ते हैं। तो अगर आपने इधर झूला लेना, इधर कैपाडोकिया की नस्बत सस्ता है। मैंने क्या कहा था कि 2 मिनट की ड्राइव है, हम उधर आ भी गए हैं। ये सामने वो चीज़ें हैं, जगह हैं, वो पहाड़ियाँ जिधर हमने जाना है, तो वो भी आगे जाके आपको दिखाते हैं ऊपर जाके। देखो ये बतखें खेल रही हैं बेचारी, पीधी पीधी बतखें हैं, पाकिस्तानी बतखें तो पीछे ही पड़ जाती हैं। और वो है जो मेन जगह, उस पहाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं, ये सामने से रास्ता होगा तो इधर से हम जाएंगे। और यार ये जगह चेक करो, कितनी खूबसूरत जगह है। ये पार्किंग रेट्स हैं इधर, घंटा घंटा नहीं ऑल डे 20। ये जी ऊपर जाने का रास्ता, और ये देखो एक कुत्ता भी बैठा हुआ है। इसकी खातिर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? मैं बेसिकली जाना जो चाह रहा था वो तो मैं सिर्फ बुरसा से मैं अंतालिया जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार पम्मू किले भी जाएं, मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था। तो लास्ट टाइम वैसे भी इस्तंबुल सारा देखा था, मैंने कहा चलो दिन कुछ बाहर दें शेरो, क्योंकि डिलीवरियाँ बड़ी ज़्यादा की हुई हैं, पैसे बड़े ज़्यादा कमाए हुए, तो इधर आते हैं तो वर्थ है यार। पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लगा, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलाई है, लेकिन सब एट दी एंड क्या है, वर्थ है। एक और ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दुख है मुझे लेकिन कोई नहीं, हैर है। आपने जब इधर आना, इधर आपको टिकटें भी लेनी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, 200 लीरे की एक टिकट है, तो 400 लीरे का ये नुस्खा आपको लगना ही लगना है। शूज़ लेके उसने कहा नहीं जाना, शूज़ आपने हाथ में पकड़ने, तो ऐसे हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह जिधर तक हम जा सकेंगे। गुब्बारों की बात हो रही थी, तो वो देखो 1, 2, 3, 4 गुब्बारे उड़ने लग गए हैं। शूज़ आपने तो उतारने, और मुझे तो फिक्र पड़ गई, मेरी तो वाइट जराब्स है, पाँव हमने रख दिया ऊपर। ऊपर जा रहे हैं, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मियों में ही आओ, मैं तो थोड़ी सर्दी में आया हूँ, तो चलो अचानक ट्रिप से अगर आप आओ तो गर्मियों में आओ इधर। और ये देखो यार सीन चेक करो पीछे बाइक है, तो ये वो पानी देखो आ रहा है, और धुआं देखो पानी में, मेरे शूज़ ना देखो, धुआं देखो, क्योंकि ये गर्म पानी है। वो देखो आगे भी धुएँ उड़े हैं, शेरो आपका भाई वीर आपके ऊपर आ गए हैं, देखो ये धुएँ निकल रहे हैं, गर्म पानी की एक नाली सी जा रही है, ये देखो ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे, ये देखो ये साथ सारे तालाब हैं, ऊपर हम आ गए हैं। देखो लोग अपनी ज़िंदगी का लुत्फ ले रहे हैं, चस्से ले रहे हैं, आज हम ये नहीं कह सकते कि हम डिलीवरी कर रहे हैं, हम भी चस्से ले रहे हैं। इधर अभी मैं भी बैठूंगा, पोंचास ऊपर कर लें, क्योंकि पोंचास गीले हो गए तो मारे जाएंगे। गरम गरम पानी है, ये सारा गरम पानी है, ये देखो ओए स्वाद ही आ जाता है, कसम खुदा की गरम गरम पानी। की तरफ जाई जा रहे हैं, और ये जो लड़की है ना, इसके अटेंशन ही खत्म हो रहे, जितने जानती है फोटो 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 है, सामने देखो तो। लेकिन अच्छी बात है भाई, अपना एंजॉय कर रही है, हमें क्या उससे। तो ये देखो ये सीन है, मैंने कहा फाइनल एक सीन आपको दिखा दिया जाए, देखो ऐसे पाँव इधर गर्म कर लिए जाए, क्योंकि इधर पाँव गर्म हो जाते हैं, गर्म पानी आता है, तो ये एक अच्छा तरीका, गर्म करो फिर आगे जाओ, गर्म करो फिर आगे जाओ, गर्म पानी हमारे साथ ही चल जाए, जब सर्दी लगे पाँव बीच में डाल लो। इधर मैंने अभी पूछा कि इधर ना आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो, और हॉट एयर बलून तो आपको पता ही है। तीनों में से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं किया क्योंकि पैराग्लाइडिंग हमने करनी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इधर पैराग्लाइडिंग है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने बुक कर लेनी थी, लेकिन 1 बजे होटल छोड़ना है, इसलिए मैं अभी वापस जा रहा हूँ इधर से। अंतालिया के लिए हम निकलने लगे हैं, ये अंतालिया और 242 किलोमीटर 3 घंटे 10 मिनट लगता है, और आपको पता है शेर जवान स्पीडों में जाएगा। फिर इधर से हम जाएँगे कैपाडोकिया इधर कहीं, फिर कोनिया, ऐसे ही ट्रिप इंशाल्लाह रहेगा। तो अभी हम निकलते हैं इधर से अल्लाह का नाम लेके, की तरफ हम जा रहे हैं, निकल गए हम। ये बड़ा मुझे इससे डर लगता है, ये ऐसे लगता है मामे खड़े हुए हैं,
और इन्होंने ये वैसे गाड़ी खड़ी करी हुई होती है। इतनी दफा डरा, अभी भी मैं डर गया था। अभी भी रास्ते में अमन तालिया की ओर देखो यार, कितने खूबसूरत सीन आ रहे हैं रास्ते में, पहाड़ियां हैं। एक ही मसला ड्राइविंग का जो दूसरे हाथ पे, ये बड़ा आपको ना हाजिर दिमाग रहना पड़ता है, नहीं तो गए आप। मेरे वो अभी आपको पहाड़ दिखा रहा था और ये हमने पहाड़ों में से ही जाना है अंतालिया की तरफ। क्या खूबसूरत रास्ता है यार। शेरे अभी खाना खाया है, बस घंटे का सफर रहेगा। खाया क्या वो देखो आपके भाई ने, बकरे दरेड़े हैं। ये ना कहना सिर्फ दिखा रहा हूँ, खाया भी है। खूबसूरत रास्तों से हम अभी गुजर रहे हैं, एक घंटा रह गया, बस एक घंटे में अंतालिया पहुंचेंगे। लेकिन यार ये रास्ते देखो, तो कौन कहता है, कौन बेवकूफ कहता है कि आप प्लेन पे इस्तांबुल से अंतालिया आओ, बिल्कुल नहीं। आपने प्लेन पे आना, गाड़ी पे आओ, मजा भी आएगा, रास्ते में पम्मू के लिए भी रुको। लो जी शेरो होटल में हम आ गए हैं, काफी मैं थका हूँ तो मैं लेट गया हूँ, क्योंकि पहले भी गाड़ी इतनी ज्यादा चलाई, सुबह जल्दी उठे तो आज भी इतनी ज्यादा गाड़ी चलाई। तो अभी आज हम करेंगे रेस्ट, अब बस शाम को खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। मैं तो अभी सोने लगा, आपको कहीं और लेके जाएंगे। अंतालिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह जो मैंने देख के रखी है, जो आप भी आके देखना। इसी वीडियो तक अपना ख्याल रखो, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो, शेयर हो क्योंकि आप पे फर्ज है। अपना ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।